अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ होममेड हेयर कलर। तो ये हमारे पास है एक टेबल दालचीनी, ये दो हमारे पास एक अनार के छिलके हैं जो मैंने सुखा के रखे हुए थे, एक चाय की पत्ती का चम्मच है और एक ही चम्मच हमारे पास कॉफ़ी है, और ये एक कप मेहंदी है। एक अंडा लेंगे, एक चिकंदर लेंगे। पहले हम लेंगे, एक बर्तन में डालेंगे एक गिलास पानी, ठीक है। ये हमारा तकरीबन एक गिलास पानी हो गया। अब हमने लेना है एक चिकंदर, उसके छोटे छोटे पीसीस करके इसमें डाल देने हैं, ठीक है। चिकंदर अगर आपने ज़्यादा बालों को बरगंडी टाइप करना है तो आप इसमें दो डाल दें, अगर आपने लाइट करना है तो आप एक डाल दें, अगर आपने और भी ज़्यादा करना है तो आप तीन डाल दें। ये हमने डाल दिए हैं चिकंदर, ठीक। फिर हम इसमें डालेंगे एक चाय की पत्ती, अब डालेंगे हम एक चम्मच कॉफ़ी, एक चम्मच दालचीनी का पाउडर और एक अनार के छिलके सूखे हुए। अब इसको हमने तकरीबन 15-20 मिनट तक चूल्हे पर पकाना है, और इसका जो अच्छी तरह से हर चीज़ का जो रंग है वो अच्छी तरह से पानी में आ जाए। फिर इसी पानी से हम जो हमारे पास एक कप मेहंदी है वो घोल लेंगे, ठीक है। तो आइए हम इसको एक चूल्हे पे पकाते हैं। इसको हमने आधे घंटे तक अच्छी तरह से दो गिलास पानी डालकर पका लिया था। अब इसको ठंडा कर लिया। अब ये देखिए, इसका कलर तो ऑलरेडी आ चुका है, ये देखें ये डार्क ब्राउन कलर आ चुका है। अगर आपने इसमें थोड़ा सा कलर और ऐड करना चाहते हैं तो आपने इसमें एक चिकंदर या दो चिकंदर और मज़ीद डाल देने हैं स्लाइसिस करके ब्रीक ब्रीक। तो ये हम इसको छान के निकाल लेंगे। ये अच्छी तरह से स्ट्रेन हो चुका है, ये देखें, ठीक है। ये मेहंदी जो एक प्याली हमने ली थी, अब उसमें मैं डालूँगी एक अंडा, ठीक है। एक अंडा डाल के थोड़ा सा इसको पहले मिक्स करेंगे। पानी डालते जाएंगे, मिक्सचर को मिक्स करके हम दो घंटे के लिए रख देंगे। ये अच्छी तरह से मेहंदी भी अपना कलर छोड़ देगी और जो कलर हमने इसमें डाले हैं वो भी अपना कलर छोड़ देंगे। ये एक जान हो जाएगी। तो हम इसमें फिर इसको अपने बालों पे अप्लाई करेंगे और दो घंटे के लिए बालों को कवर करके छोड़ देंगे। इसके बाद आपने अपने बाल वॉश करने हैं, क्योंकि ये हमारा मिक्सर तैयार है। इसको हमने कवर करके दो घंटे के लिए रख देना है, उसके बाद हमें इसको बालों पे अप्लाई करेंगे और फिर दो घंटे लगा रहने देने के बाद हम वॉश करेंगे। ये आप देख सकते हैं मेरा हाथ, ये कलर आप चेक कर सकते हैं, इसका माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आएगा। तो आप भी लगाइएगा, ट्राई कीजिएगा। आप हफ्ते में दो दफ़ा लगाएं, तीन दफ़ा लगाएं, इंशाल्लाह एक हफ़्ते में आपके बालों का वो कलर जो आपको रिक्वायरमेंट है वो मिल जाएगा। अगर आप ज़्यादा पर्पल कलर चाहते हैं जो आजकल इन हुआ है, तो आपने चिकंदर ज़्यादा डालने हैं। जितना अच्छा कलर चाहते हैं, दो से तीन से चार चिकंदर कर लेने हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा कलर मिलेगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।